रहे हैं, ये बंगला एकमात्र बंगला ऐसा है जिसको मुख्य रोड से दरवाजा खोल दिया गया, खोल नहीं सकते, नियमों में नहीं है, एल्ट्रेशन नहीं कर सकते, 100 में से एक ही बंगला है। यहाँ भी गेट है, वहाँ भी गेट है। ये संबड़ी को असुनी जी हैं, कोटा के रहने वाले हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर का सामान पड़ा है, जो MLA क्वार्टर बना रहे राजस्थान विधानसभा के पास में, उनका सामान है, कॉमर्शियल यूज में ये बंगला आ रहा है। ये बंगला इससे सटा दूसरा बंगला, इससे सटा तीसरा बंगला, करीबन 2377 वर्ग मीटर ये जमीन इस सरकार ने करीबन इस समय 200 करोड़ की जमीन है जो 6-7 करोड़ में दे दी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाने को। आप यहाँ देख सकते हैं कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं चला। पहले शुरू में सरकार ने फाइल चलाई, एक दिन में 20 अधिकारी कर्मचारी पर दस्तखत हुए नोटशीट पर, जो नोटशीट अपने पास यहाँ पर है, और उस नोटशीट में फिर सौदेबाजी नहीं हुई होगी, जो भी कुछ हुआ उसको मंत्री जी ने खुद ने टन डाउन कर दिया कि हम इसको दे नहीं सकते। फिर 15 दिन बाद फिर नोटशीट चलती है और मंत्री जी उसको अप्रूव कर देते हैं। दोनों नोटशीट मेरे पास है, 2020 वाला हुई है, अब तक इसमें एक भी बच्चा स्किल डेवलपमेंट के नाम पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा, न कोई विकास कौशल का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो ठेकेदार जी के यहाँ जो बंगले वो यहाँ पर रहते हैं और आप सामान का ले ही सकते हो, इतना सामान पर्सनल कॉमर्शियल एक्टिविटी है। ये जो राज आंगन योजना है इसमें इस पत्र के हिसाब से राज आंगन योजना में इस पत्र के हिसाब से कील भी नहीं ठोक सकते, अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप देखते आए हैं कि सब जगह अल्ट्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसमें आखिर किसकी मुख्य सहमति है? सरकार की है। सरकार की मुख्य सहमति नहीं है तो ये क्यों हो रहे हैं अल्ट्रेशन? इसके अलावा भूमिगत अल्ट्रेशन भी हो रहा है, आपने देखा भूमिगत खुदाई हो रही है जहाँ मकान बनेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग और वो बंगले बनेंगे। इस एक एक तीसरी चीज महत्वपूर्ण है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन थे पहले, वहाँ से 7-8 साल पहले, वो यहाँ के गेस्ट हाउस में तभी से रह रहे हैं, अब उनकी पोस्टिंग यहाँ से बाहर हो गई, फिर भी गेस्ट हाउस में से उनको न तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने वहाँ से निकलने का आदेश दिया, न वो निकलना चाहते। मैं वहाँ चल के आपको बताऊँगा कि उनको उनका बरकरार कब्जा है, IAS बरकरार कब्जा कर सकता है, और छोटा थड़ी वाला कोई कब्जा कर ले तो ये सरकार उजाड़ देती है। मैं शांति धारीवाल जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। राज आंगन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, एक राजस्थान की सरकार ने वसुंधरा जी के समय बड़ी अच्छी एक कॉलोनी बनाई थी जो NRI के लिए थी। इस NRI में चाय जो घुस रहा है, यहाँ आपने पहले एक कृपाल का देखा था जो बन रहा है, कृपाल तो यहाँ का है नहीं, मतलब NRI नहीं है, गैर NRI यहाँ पर घुस गए, गैर NRI इसमें अल्ट्रेशन कर रहे हैं, NRI के लिए कॉलोनी बनी है, NRI बेच गए कि आपने खरीद लिया क्या है, तो सरकार को देखने की जरूरत है। एक दूसरा, शांति धारीवाल जी ने पहले जिस जगह में खड़ा हूँ ये प्लॉट है P1 जिसकी साइज है 2377 वर्ग मीटर, यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम पे पहले तो कैंसिल कर दी, फिर 15 दिन बाद ही उन्हीं मंत्री जी ने उसको अलॉट कर दिया। इसका कारण क्या शांति धारीवाल जी समझाएंगे? अगर पहले तो आपने खुद ने मंत्री टन डाउन कर दी, फिर उसको सेंक्शन कर दिया, स्किल डेवलपमेंट के नाम से सेंटर के नाम से सेंक्शन किया, और यहाँ मौके पर आप देख लो कोई भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर नहीं चल रहा, और बड़े पैमाने पर पूरी राज्य आंगन योजना जो NRI के लिए बनी है उसमें एल्ट्रेशन हो रहा है, जो कानून का खुलम खुला उल्लंघन है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि ये जो एल्ट्रेशन हो रहा है इसको तुरंत रोकें, और इसको जो गलत अलॉटमेंट हुआ है इसको निरस्त करें, और ये मानते हैं गलत अलॉटमेंट नहीं है तो यहाँ जिस उद्देश्य से कौशल विकास की दृष्टि से ये जो इतना बड़ा प्लॉट दिया जो तीन बंगले हैं उसमें कौशल विकास केंद्र की एक्टिविटी चलनी चाहिए। और जिस IAS ने 7 साल से बंगले पर गेस्ट हाउस पर कब्जा कर रखा है NRI में, उसको खाली कराया जाए। कौशल विकास की जमीन पर बंगला किसका है ये कुछ पता लगा? उनका ही है ना, वो अश्विनी जी जो कोटा के रहने वाले हैं, जो बताया जाता है, मेरे को जानकारी ज्यादा नहीं, धारीवाल जी के खास है, तभी तो यहाँ पर NRI कॉलोनी में उनको बंगला मिल गया, जमीन मिल गई 2377 वर्ग मीटर, जबकि इस पे अलॉटमेंट हो नहीं सकता है। ना, यहाँ नहीं हो सकता, NRI कॉलोनी में नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये जो कॉलोनी बसाई गई थी सिर्फ NRI की, जो NRI और अब आज IPS IAS सभी लोग यहाँ पर है, वो क्यों रह रहे हैं वो तो जांच का विषय है। IAS तो इसलिए रह रहा है, को हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन,
तब से अब तक उन्होंने खाली नहीं किया। आईपीएस में आईपीएस की मेरे को जानकारी नहीं कौन से हाँ होंगे, तो आईएएस आईपीएस इसमें चेंज करवा सकते हैं, एल्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान में देश में रहने के बाद भी एनआरआई का फर्जी कागज बनाकर वो अपना अलॉटमेंट करा सकते हैं, तो इनकी जांच ईसीबी या एसीबी को देखे, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो नेता हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। घुसते ही तो नेताओं को बन रहे थे, तो ये जो एल्ट्रेशन हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो जिस उद्देश्य से कॉलोनी बनाई थी उसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उसका पर्यावरण बिगड़ रहा है, और जिस उद्देश्य से ये जमीन दी गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे, इसलिए इस अलॉटमेंट को निरस्त किया गया। अरबों की जो जमीन है उसको एक षड्यंत्र कहते हैं 6-7 करोड़ में धारीवाल जी ने खुद ने दे दी, उनका हस्ताक्षर है, आप पूरी फाइल देख लो। 6-7 करोड़ में दे दी। क्या कागज है थोड़ा सा आप शो कर सकते हैं जिसमें वो दिख रहा हो कि ये तो है जिसमें एल्ट्रेशन विकास योजना, ये है इसमें तो एल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई एल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और जो ये सरकार का आदेश है अभी 31/3/2023 को दोबारा सरकार ने आदेश निकाला है, तो फाइल लाना भैया ये पूरी फाइल है। ये अलॉटमेंट आर जी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी 22B22 हल्दी मार्ग प्रताप नगर सामने रहने वाला के तो कोटा के हैं, स्थाई पता तो वहाँ है लेकिन इस पते से ही अलॉट हो गया। थोड़ा साइड हो जाना एक बार, ये अलॉटमेंट लेटर है ये, एक ही दिन में जो 20 दस्तखत किए देखो यहाँ से लेकर सुनो अच्छा माँ, एक ही दिन में यहाँ से तक 20 दस्तखत। फाइल को तुरंत गति से बढ़ाया और तुरंत गति से फिर मंत्री जी ने इसको टर्न डाउन कर दिया, यहाँ के नॉट अलाउड ये लिख रहा शांति धारीवाल नॉट अलाउड। फिर 15 दिन बाद ही फिर फाइल दौड़ती है, इसमें 20 दस्तखत होते हैं और मंत्री जी कहते हैं अलाउड। ये क्या खेल है, नॉट अलाउड देन अलाउड, अलाउड फॉर कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आप देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है कतई नहीं, ये बेईमानी है, ये चोरी है, ये राज्य की जनता के टैक्स की लूट है, इसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री जी ऐसे घोटालों की जाँच करो, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कम से कम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक बड़ा ठेकेदार जो कोटा का रहने वाला है तो धारीवाल जी का खास आदमी है उसने कब्जा कर रखा। ठीक है, आपने देखा कि